जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं भोलानाथ और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। व्यूअर्स, आज हमारी चर्चा का मुद्दा है नीतीश कैबिनेट का चेहरा। 27 जनवरी रविवार को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लिकर ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की, जबकि 8 अन्य नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 2 ऐसे भाजपा खेमे के नेता हैं, भाजपा कोटे के नेता हैं, जिन पर हम लोग आज की इस चर्चा में विचार करेंगे। क्या है भाजपा नेतृत्व का, भाजपा आलाकमान को उनको नीतीश के साथ जोड़ने का, उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल करने का मकसद। तो ये 2 नाम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और विजय सिन्हा नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे महागठबंधन सरकार में। कल ही भाजपा विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी को भाजपा विधानमंडल दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। इसके साथ ही यह तय हो गया था कि ये दोनों नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने जा रहे हैं। शपथ समारोह के ठीक बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने इसका खुलासा भी कर दिया। उन्होंने कहा कि आज जिन लोगों ने शपथ लिया है मंत्री पद का, उनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को मैंने उप मुख्यमंत्री की मान्यता दी है। शब्दों पर गौर कीजिएगा, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री की मान्यता दे दी है। अब सवाल यह उठता है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों की पिछली भूमिका क्या रही थी, जरा इस पर हम लोग गौर करें। सम्राट चौधरी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के नाते कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे थे जिसमें कि वो नीतीश पर हमलावर, आक्रामक तेवर अख्तियार न किए हुए हों। हर चीज पर, हर मुद्दे पर, उनके हर कदम पर विरोध करना, उनकी आलोचना करना, निंदा करना, आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करना, यह हमेशा वो करते रहे थे। कुछ ऐसी ही भूमिका विजय सिन्हा की भी रही थी, जो नेता विपक्ष के नाते नीतीश कुमार की पुरजोर आलोचना, निंदा करते रहे थे, आक्रामक तेवर अख्तियार करते रहे थे। जहां तक विजय सिन्हा के रोल का सवाल है, तो आपको याद होगा कि जब भाजपा और जदयू की सरकार थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से विजय सिन्हा ने आखिर क्या रोल निभाया था। एक समय ऐसा आया था कि विजय सिन्हा से चिढ़ करके भरे सदन में नीतीश कुमार ने पता नहीं क्या क्या बोला था उनके बारे में, और वो उस समय की सुर्खियां बनी थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उनको नीतीश के साथ जोड़ा जा रहा है भाजपा आलाकमान की तरफ से, तो क्या इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति ली गई है? पहले ऐसा होता रहा था कि जब एनडीए की सरकार बनी है तो भाजपा नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सलाह मशविरा करने के बाद ही मंत्रियों के नामों को अंतिम आकार, अंतिम स्वरूप देता था। उप मुख्यमंत्री जब सुशील कुमार मोदी बनाए गए थे तो ऐसा हुआ था। तारकिशोर सिन्हा और रेणु देवी भी पिछले एनडीए की सरकार में जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो बकायदा नीतीश कुमार की भी उसमें सहमति थी। हालांकि बाद में वह खुद कहते हुए नजर आए कि अगर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी होते तो सरकार का स्वरूप कुछ और होता। तो क्या है आखिर इसका मकसद कि नीतीश के विरोध करने वाले, पुरजोर विरोध करने वाले इन दोनों नेताओं को एक बार फिर नीतीश कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का ओहदा दिया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा आलाकमान
कोई आगे का दांव खेल रही हो, उसकी मंशा कुछ और हो, तो चूंकि यह बात सत्ता के गलियारे में आम तौर पर सामने आ रही है कि इन दोनों के रहते हुए, इन दोनों के मुख्यमंत्री के हैसियत से काम करते हुए नीतीश कुमार कितने सहज तरीके से सरकार चला पाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसे समय में जबकि लोकसभा चुनाव सामने है और 1.5 साल के बाद ही विधानसभा चुनाव है, तो उसमें कहीं भाजपा आलाकमान की मंशा कुछ और तो नहीं है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में जिस सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है उनको बाद में इससे भी कुछ और बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, तो क्या है इसका, इन सब का मकसद? ये बातें बिहार और सत्ता के गलियारे में बड़ी तेजी से फैल रही है। यहाँ पर यह भी गौरतलब है कि एक समय सम्राट चौधरी ने अपने सिर पर यह कहते हुए साफा बांधा था कि वह नीतीश कुमार को हटा करके ही इसको खोलेंगे। वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं लेकिन अपना साफा नहीं खोले हैं। इस बात की भी कल ओथ के साथ ही, शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही चर्चा काफी जोर पुरजोर रही कि अब सम्राट चौधरी क्या करेंगे, क्या वो अपना साफा खोलेंगे या अभी बांधे रहेंगे। लेकिन उन्होंने ओथ के बाद भी अपना साफा नहीं खोला है, बांधे हुए हैं। तो क्या है उनका असली मकसद? क्या आने वाले दिनों में वो अपने किसी और भूमिका में अपने आप को देखना चाहते हैं? क्या आलाकमान उनको कोई और बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है? अब इसके बाद अगर उप मुख्यमंत्री के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी होती है तो वह जिम्मेदारी होती है मुख्यमंत्री की। तो क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सम्राट चौधरी अपना साफा खोलेंगे? इस तरह के तमाम सवालात जो है वो सत्ता के गलियारे में तैर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में क्या होता है, सरकार किस तरह से चलती है, नीतीश कुमार किस सहजता से सरकार चलाते हैं। इन सब सवालों के जवाब हमें जल्द ही सामने आएंगे हमारे। तो इन्हीं सब चर्चाओं, बहस, अपडेट्स और मुद्दों के साथ हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए HD News। धन्यवाद।